जयपुर में एक बार फिर से भूमाफिया और साथ ही पुलिस की गठजोड़ के चलते करोड़ों रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया। फर्जी जमीन के पट्टे काटकर धोखाधड़ी करने के एक मामले में जोमैक्स कंपनी और उसके डायरेक्टर सुशील वर्मा और साथ ही मनीष बत्रा के खिलाफ ये मामला विद्यानगर थाना और साथ ही आदर्श नगर थाने में दर्ज किया गया। ये मामला परिवादी मनीष शर्मा और गोविंद राठी ने दर्ज करवाया, जिनमें से कंपनी डायरेक्टर ने करीब 125 करोड़ रुपए की ठगी की। मामला अजमेर रोड मौजमाबाद स्थित जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी के नाम से सैकड़ों लोगों को फर्जी पट्टे काटकर जमीन के कागज दे दिए। लेकिन खास बात यह रही कि इससे पहले भी कंपनी के खिलाफ जयपुर, वैशाली नगर, जालूपुरा, हरमाड़ा समेत कई थानों में करीब 30 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से पुलिस ने अपनी गोलमोल रिपोर्ट और साथ ही लीपापोती करते हुए सिस्टर कंपनी के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी सुशील वर्मा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। फिलहाल दोनों थानों के में ये मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस इस मामले की अब गहनता से जांच करने में जुटी है। बता दूं कि भूमाफियाओं ने करोड़ों रुपए ठग दिए और इसके तहत 30 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस की मिलीभगत के चलते ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए वन संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। यादवेंद्र, क्या था यह पूरा मामला और आखिर क्यों पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्या पुलिस की मिलीभगत है इसमें? देखिए ज्योति, मैं बता दूं कि जोमैक्स जो कंपनी है काफी एक मानवीय कंपनी है, जो कि जयपुर शहर के अंदर, जयपुर शहर के अलावा देश के अंदर अलग अलग कोनों में ये स्कीमें काटती है और लोगों को जो मकान बना, फ्लैट बना करके मुहैया करा रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर जोमैक्स कंपनी के खिलाफ यहाँ पर परिवार ये है, मनीष शर्मा और गोविंद राठी, उन्होंने मामला दर्ज कराया है यहाँ पर विद्याधर थाना इलाके में और आदर्श नगर थाना इलाके में, जहाँ पर इस कंपनी ने फर्जी पट्टे बांट करके इन लोगों को जो करोड़ों रुपए की जो रकम थी उसको यहाँ से समेट करके यहाँ से दुबई फरार हो गया। सबसे बड़ी बात यह है ज्योति, यहाँ पर जब पुलिस ने जब मामला दर्ज किया तो उसके बाद यहाँ पर जब पाया गया कि जो कंपनी है, इस कंपनी ने यहाँ पर अपनी सिस्टर कंपनी बना रखी जो कि श्री विनायक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से थी, तो कंपनी ने यहाँ पर जो परिवादी हैं, जो पीड़ित है, उनको यहाँ पर जोमैक्स कंपनी के नाम की तो यहाँ पर पट्टा दिया और रसीद जो काटी थी वो श्री विनायक बिल्डर्स के नाम पर यहाँ पर काटी हुई थी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पट्टे दिए थे यहाँ पर जोमैक्स कंपनी ने, वो एक ही जमीन के कम से कम 10 पट्टे यहाँ पर लोगों को पकड़ाए थे और उसके बाद जो पैसा आया था वो यहाँ पर श्री विनायक बिल्डर कंपनी के जो अकाउंट था उसके अंदर आया था। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर जो श्री विनायक कंपनी के जो डायरेक्टर उसी को ही यहाँ पर गिरफ्तार किया और यहाँ पर जो जोमैक्स कंपनी उसको यहाँ पर आरोपी नहीं माना। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसमें लीपापोती करते हुए और नकलफांस करते हुए यहाँ पर उन्होंने इस जो मुख्य मुजरिम था जो की सुशील वर्मा जो बताया जा रहा है, इसके अलावा जो मनीष बत्रा, ये दो आरोपी हैं कंपनी के जो डायरेक्टर है जिनका वैशाली नगर के अंदर यहाँ पर ऑफिस खोला हुआ है, इन लोगों ने यहाँ पर जो श्री विनायक जो कंपनी है उससे उसे अकाउंट में अपने जोमैक्स कंपनी का अकाउंट में पैसे समेट लिए और उसके बाद यहाँ से दुबई फरार हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले में जो एक मुख्य आरोपी है सुशील वर्मा वो यहाँ से दुबई फरार हो गया, जो मनीष बत्रा है वो यहाँ से अंडरग्राउंड है, तो पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ज्योति कि यहाँ पर जो कंपनी है जोमैक्स कंपनी जो करोड़ों रुपए की धांधली करके करीब 100 करोड़ रुपए का जो प्रारंभिक जांच हुई है सामने आया, 100 करोड़ रुपए की जो धांधली है उन्होंने की है और फर्जीवाड़ा करते हुए यहाँ पर ठगी की है, इसको लेकर के यहाँ पर जयपुर शहर के करीब आधा दर्जन थानों के अंदर करीब 30 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें पुलिस ने जांच पड़ताल की और लीपापोती करते हुए यहाँ पर उस मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन जो असली जो मुलजिम है, जो आरोपी है इसमें, जो मैक्स कंपनी के सुशील वर्मा और मनीष बत्रा, ये दोनों अभी पूरे मामले में फरार है और इनकी यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है यहाँ पर। लेकिन अब ताजा मामला यहाँ पर फिर से आया है, जब यहाँ पर कंपनी ने दो परिवादी हैं मनीष शर्मा और इसके अलावा जो गोविंद राठी, उनको भी यहाँ पर फर्जी पट्टे पकड़ाए, तो कोर्ट के इस्तगासे के जरिए पूरा मामला विद्याधर नगर थाने में और आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, उस पूरे मामले में दोनों आरोपी यहाँ पर तलाश कर रही है। जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि करोड़ों रुपए की ठगी कर आरोपी दुबई फरार हो गए और इस मामले में कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं।